नमस्कार किसान मित्रों, मैंने विकल्प साइथ मंगाया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू देने जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग ज़रा इसके बारे में ध्यान से सुने और बाकी आप ही आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि विकल्प साइथ कैसा है और कैसा काम करेगा। अब हमने मंगा लिया है, अब बाकी आप लोग देखिए, आइए अब दिखाते हैं उसके बारे में। ज़रा साइथ दिखाना, साइथ दिखाइए आपको। ये है विकल्प साइथ, हमने मंगा लिया है और इसका असेंबलिंग भी हमने कर लिया है। अब असेंबलिंग करने के बाद इसका स्वरूप ऐसा बनता है। इसमें एक हैंडल है और मेरे ख्याल से पाँच साढ़े पाँच फुट के आसपास का इसमें एक हैंडल लगा हुआ है और एक ब्लेड लगता है। इसमें एक लकड़ी का एक फ्रेम होता है, इसमें एक हैंडल है, ऐसे एक हैंडल है और इसमें एक लकड़ी का ही एल शेप में एक एंगल बना के इसमें लगाया जाता है। ये सारे नट बोल्ट से इसको टाइट किया गया है और ये सारा हमने कर लिया है और अब ठीक है। जैसे कंपनी वालों ने हमें बताया है इसके बारे में कि बहुत अच्छा धान काटेगा, गेहूं काटेगा, बाजरा काटेगा। तो अभी धान का सीज़न चल रहा है, आप लोगों ने देखा ये मेरे खेत का धान है। अब मैं अपने खेत पर लेके आया हूँ और आज आप लोगों को इससे धान काट के दिखाऊंगा कि ये धान कैसे काटता है। तो शुरू करते हैं धान की कटाई। आइए आप लोग मित्रों मेरे साथ देखिए धान कैसे काटा जाता है। एक ग्रिप पहनाया हुआ है, इसको पहले हम निकालेंगे ऐसे और इसको निकालने के बाद फिर हम इससे धान की कटाई करते हैं। तो ये ऐसे पकड़ते हैं इसको और इसको ऐसे ये ऐसे फंस जाता है, इससे धान कटता नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये ऐसे ये फंस गया, ये दोबारा हमने ये धान को ऐसे बर्बाद करता है। ऐसे ये देख लीजिए आप, ऐसे काटेंगे तो ऐसे धान फंस जाता है। ये आप देखिए ऐसे, इसको बताया गया है हमें कंपनी की तरफ से कि आपको इसको ऐसे पकड़ना है हैंडल को और आपके कमर के आसपास इसको पकड़ना है ऐसे और फिर धान को ऐसे ऐसे करके काटना है। ऐसे सिंपल, ऐसे जैसे ब्लेड चलाते हैं वैसे इसको काटना है ऐसे। लेकिन ये काटा नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ये ऐसे, और मेरा धान अभी तक कटा नहीं। ये धान को ऐसे बर्बाद कर देता है ये। एक झाड़ भी ये सही से काटता नहीं है, ये ऐसे बर्बाद कर देता है। ऐसे बर्बाद कर दिया धान मेरा, दो झाड़ बर्बाद हो गया ऐसे, जो बताया गया था कि काट के ऐसे इसमें बर्बादी है धान का। ये देखिए आप, बर्बाद हो गया एक झाड़, बर्बाद हो गया। कहीं देखिए आप, धान को कलेक्ट कर रहा है इसका ये जो इसको जिसको बोलते हैं ये काटता नहीं है सही से, ये सिर्फ बर्बाद करता है धान को। ये देखिए बर्बाद हो गया, गिर गया धान। और इसमें बहुत मेहनत लगता है किसान मित्रों, आप लोग देख लीजिए इसमें बहुत मेहनत लगता है। ये देखिए ये बर्बाद हो गया धान आपका, ये बर्बाद हो गया। इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये सही से नहीं काटता है, इसमें बहुत मेहनत लगाना पड़ता है और हाथ बहुत दर्द करता है। ये देखिए बर्बाद हो गया, ये देखिए फंस गया, ये देखिए बर्बाद हो गया। कंपनी ने हमारे यहाँ एक गाइड करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन ये धान पूरा बर्बाद है। ये देखिए बर्बाद हो गया, ये देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, ये सिर्फ बर्बादी है बता रहे हैं आप लोगों को किसान मित्रों। आप लोग देखिए, ये देखिए बर्बाद हो गया ना, ये कहाँ से ये कामयाब है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि हम फंस चुके हैं, आगे से कोई भी खरीदने से पहले इसके बारे में ज़रा एक बार सलाह मशवरा कर ले, विचार कर ले। इसकी कीमत कंपनी ने 7,000 रुपये फिक्स किया हुआ है, मैंने भी इसको मंगा लिया है, लेकिन ये इसमें जो चीज़ लगा हुआ है ये 7,000 का नहीं है। इसको आप देखिए तो इसमें एक लकड़ी का डंडा है, एक ये लगा हुआ है, एक ये सब का कॉस्ट आप लोग देखिएगा तो मुश्किल से 1500 से 2000 के आसपास का ये कॉस्टिंग है। इसलिए ये हमारे तरफ से हम इसको डिसलाइक करते हैं, ये बेकार चीज़ है, ये किसी लायक नहीं है किसान मित्रों। तो आप लोगों से आग्रह है
कि ये बेकार चीज़ है, इसको मत खरीदिए, ये हमारे समझ से तो ये बेकार है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। और कंपनी ने रिटर्न का भी कोई पॉलिसी नहीं बनाया हुआ है, इसको रिटर्न भी आप नहीं कर सकते हैं। बस एक बार आप ले लिए तो आप फंस जाएंगे, तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग इसको ना ही ख़रीदें। यह बिल्कुल यूजलेस आइटम है, पैसा आपका फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इसमें। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।